दे नौजवानों ते किसानों इस 15 अगस्त नूं केसरी दा होवेगा शंगार क्या क्या है हथियार खालिस्तान दा हंगार ते इस तिरंगे दा कर दो अंतिम संस्कार किसे जगह ते तिरंगा नहीं चढ़ना चाहिदा पंजाब नूं अलग कर दो हरियाणे नूं अलग कर दो वेस्ट बंगाल अलग कर दो असम महाराष्ट्र अलग कर दो ते इस तिरंगे नूं हमेशा दे लई खत्म कर दो। उसका जवाब देने आया था, उसने ये कहा था ना कि तिरंगे झंडे का अपमान होगा, तिरंगा झंडा कोई ना लड़ाए, इसकी ऐसी की तैसी। उस दिन भी जवाब दिया था, आज भी देने आया हूँ। तिरंगा झंडा हमेशा सदियों से लहराता आ रहा है, लहराता रहेगा। विनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा भूषण जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे ये हिमाचल की देवभूमि सूर वीरों की धरती की जो पन्नू ने चैलेंज किया था खालिस्तान ने यूके से उसका जवाब देने आया था। उसने ये कहा था ना कि तिरंगे झंडे का अपमान होगा, तिरंगा झंडा कोई ना लड़ाए, इसकी ऐसी की तैसी। उस दिन भी जवाब दिया था, आज भी देने आया हूँ। तिरंगा झंडा हमेशा सदियों से लहराता आ रहा है, लहराता रहेगा, इसकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। और दूसरा पन्नू को ये कहना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था न कभी बनेगा, कभी बनेगा तो पहले की तरह हमारे जख्मी शरीर से गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और तिरंगे झंडे का मान सम्मान हर हालत में रखा जाएगा। और पहली बार जो मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था 14 बार हमलों से, पहला हमला 15 अगस्त आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हरमंदर साहब के बाहर हुआ था, जब आतंकवादियों ने कहा था बिट्टा तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे, उन्होंने बम चलाया था। उसके बाद भी हमने तिरंगा झंडा लहराया था, और आज काफ़ी सालों के बाद फिर तिरंगे झंडे को चैलेंज किया है। ये हिमाचल के लोगों का काम है, इस वीर भूमि शराफत की धरती सूर वीरों की धरती, वो अपना काम करें। ये मेरा कर्म है, ये मेरा काम है, इस चीज़ को मैं खुद देखूंगा, मैं लड़ूंगा, और आगे से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हिमाचल की तरफ कोई आंख उठा के देगा। 75 सालों को किस तरह से देखते हैं सर? देखो, नया भारत बना है, 75 साल का इतिहास कश्मीर की, वो सतंकवाद की गुलामी का, जहाँ बहनों के सुहाग उजड़ते थे, जहाँ बच्चे यतीम होते थे, जहाँ खून की नदियाँ बहती थी, जहाँ आज़ादी ने किस तिरंगे झंडे का रोज अपमान होता था, जब जवानों के ऊपर रोज पत्थर फेंके जाते थे, आज उस कश्मीर के अंदर ये नई आज़ादी देख रहे हैं कि तिरंगा ही तिरंगा है हर सड़क के ऊपर, और खुले तौर पर और लोग घूम रहे हैं। ये हमें एक नई आज़ादी मिली है, ये नया इतिहास बना है।
आज पाकिस्तान, चाइना, हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हो चुकी हैं, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, चाहे उत्तरांचल हो चाहे हिमाचल हो, आज हमारा देश बहुत सुरक्षित है। थैंक यू सर। वंदे मातरम।